परसों ज्यादा बारिश की वजह से ये टूट चुका है। मैं तो बांदर भगोना गए उधर हरता रहे गड़ 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 सो करो मैं उड़े ही हूँ मन तो एक ही फाने जान था मैं नो खेता बन तो गढ़वालियों का एक फेमस त्यौहार है मतलब जो कि संक्रांति के बाद मनाया जाता है और बाकी मम्मी बताएगी। और बारिश के बाद हमारे पहाड़ कुछ इस तरीके से दिखते हैं। ये देखिए तो ये देखिए पकोड़े हैं और ये सॉल है ना। मैंने जन्नत देखना चाहोगे? दो तीन दिन जब स्कूल की छुट्टियां रही ना बीच में मौसम की वजह से उस दिन खूब धूप आई और जैसे स्कूल खुले वैसे बारिश शुरू तो दो कट्टे नाशपति की भर एक दान खे दो मैं। ये देखो इतनी बड़ी बड़ी नाशपति है ना। ये अब सही बोले मैंने उभरते किसान है आने वाली पीढ़ी के। हेलो दोस्तों नमस्ते प्रणाम। तो एक नए दिन की शुरुआत के साथ एक नया ब्लॉग शुरू हो चुका है। और कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप लोग सभी स्वस्थ होंगे मस्त होंगे अपने घर में जबरदस्त होंगे। और ये देखिए अभी सुबह के लगभग 8 बज रहे हैं और 8 बजे मौसम कैसा हो रखा है मतलब धूप तो नहीं है आज। एक साइड तो बादल दिख रहे हैं और एक साइड ऐसा कोहरा लगा हुआ है। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ब्लॉग और फिर देखते हैं कि आज के ब्लॉग में क्या क्या होता है। तो मेरा नाम है अंकुश, मेरे गांव का नाम है चुपराल गांव जो पड़ता है टीरीगढ़ जिले के चंबा ब्लॉक में और ये उत्तराखंड में है। तो बिना किसी देरी के सुरकंडा माता का नाम लेते हुए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। हमारा छोटा सा सोगाड़ा है इसमें हमने अरबी के बीज बोए थे और अरबी के पत्ते लग भी चुके हैं इनमें। बाकी यहाँ पे दादी ने अपने छोटे से सोगाड़े में बीन्स बोए हैं तो उधर हमने गोभी लगा रखी है और पीछे के जितने भी खेत हैं वो सब में गोभी है। और हमारी जो इस टाइम पे लोकल सब्जी है वो यही है मतलब गोभियाँ लगा रखी हैं अभी काटने लायक हुई नहीं। तो चलिए अब चलते हैं थोड़ा उस साइड खेतों की तरफ और मम्मी भी वहीं जा रखी है तो आपको वहाँ मम्मी से भी मिलाएंगे। और आज मतलब कल हमारे साथ एक घटना घटी वो चीज़ भी आपको बताएंगे कि क्या हुआ था। जरको जहाँ मैं जा रहा हूँ ये वहीं आ रहा है और परसों इस पे कुत्ते ने हमला किया जिसकी वजह से इसके पेट में सूजन आ रखी। क्यों जिंजी? तो ये भी मेरे साथ ही घूमता रहता है, इसको भी सहारे की जरूरत है। कितना मासूम चेहरा इसका। तो बाकी ताऊ जी भी आज घर आ रखे हैं। बड़ा जी हेलो। हेलो हाय। और बड़ा जी की आदत है सुबह उठ के योगा करने की तो यहाँ पे योगा कर रहे हैं और आज धूप भी नहीं। मोबाइल चला रहे हैं ना तो वो वहाँ से सीख रहे मतलब योगा उन्होंने कर दिया है अब थोड़ा मोबाइल चलाने का टाइम आ चुका है। और मैंने भी सुबह सुबह मम्मी ने ड्यूटी दे दी मेरे कपड़े धोने की तो मैंने कपड़े भी डाल दिए धोने के लिए। तो यहाँ बाथरूम में मैंने कपड़े धोने के लिए भी डाल दिए। बाकी इस साइड से धूप भी आ चुकी थी तो एक साइड से मौसम भी खुलने लग गया। तो देखिए सुंदर धूप आ चुकी है। पहाड़ों का मौसम कब बदल जाए कुछ पता ही नहीं चलता। यहाँ पे देखिए ये फूल का पेड़ इतना बड़ा हो गया और सामने मौसम देखिए आप मतलब पहाड़ का मौसम कब बदल जाए कुछ पता ही नहीं चलता। तो ये देखिए अभी अभी क्या था और अभी अभी कैसा हो गया मौसम। तो दोस्तों मैंने आपको मतलब सुबह बताया था ना कि हमारे साथ कल एक घटना घट गई। तो घटना क्या है वो आपको दिखा दे हैं मतलब दिखाई देते हैं आपको अब क्या बताएं। तो ये देखिए ये जो घर था ना वो टूट चुका है। तो हमारा ये मतलब कह सकते हैं यहाँ स्टोर रूम था और यहाँ पे हमने बहुत सारा सामान रखा था और परसों ज़्यादा बारिश की वजह से ये टूट चुका है। और अब इसके अंदर जो सामान है ना वो भी इसी के अंदर दब चुका है तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है। तो क्या कर सकते हैं ज़िंदगी में कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता। तो आज लेबर बुला रखी है इनको सही करने के लिए मतलब जो नीचे दबा हुआ सामान है उसको अलग करना है हमने। उनके साथ मैं भी रहूँगा। तो चलिए यही था मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि हमारा जो घर था वो उसके कुछ ऐसे हाल हो चुके हैं ज़्यादा बारिश की वजह से। और देखिए पूरा कमरे के अंदर ये ऊपर का जो भी मलबा था वो सब नीचे चला गया और नीचे कैसा हो गया। और उस टाइम मैं घर नहीं था मतलब मैं कहीं जा रखा था और मम्मी थी घर तो मम्मी से पूछते हैं क्या क्या हुआ। आ चुका हूँ मैं अपने खेतों में और मम्मी करी यहाँ पे निराई गुड़ाई मतलब जो गोभियों के अंदर ही इतना बड़ा खरपतवार हो जाता है उसको निकालना पड़ता है। देखिए उसके बाद गोभी साफ हो जाती। तो मम्मी मैं ये पूछ रहा था परसों क्या क्या हुआ था जब वो टूटा वहाँ पर।
मम्मी के साथ बहुत बड़ा हादसा होने वाला था, सपोज मम्मी वहाँ पे रहती है। अरे मैं वही मैं बांदर भगोना गई हूँ उधर हरता हूँ गड़ 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 सुख रो मैं उड़े ही हूँ मन तो एक ही फाने जान था मैं किताबों से बंदर आए थे बहुत ज्यादा और बंदर आने की वजह से क्या हुआ मम्मी उसी छत से नीचे आ गई वहीं मतलब उसी रास्ते से और जैसे मम्मी यहाँ पे पहुँची मतलब वो सामने है वहाँ पे मम्मी वहाँ ऊपर से उसमें आई और यहाँ से नीचे और जब तक मम्मी यहाँ पे पहुँची तब तक वो टूट गया। अच्छा हुआ कि वहीं पे नहीं रही मम्मी नहीं तो मम्मी ने भी क्या बताऊँ क्या हो सकता था मम्मी के साथ। तो चलो अच्छा हुआ कि भगवान ने साथ दिया। तो कल के ब्लॉग को आपने देखा होगा मैंने आधे में ही छोड़ दिया था क्योंकि कल बहुत सारे काम किए जो वो टूटा हुआ था उसको पूरा मैंने सही किया मैंने भी और दो लेबर और थी तो दिन भर बिजी रहे। और कल धूप आई थी और आज देखिए मतलब आज कैसा हो रखा है मौसम चारों तरफ कोहरा लगा हुआ है और ऐसे कोहरे में अब क्या कर सकते हैं। और आज है वाणी त्यौहार तो वाणी त्यौहार के बारे में मम्मी आपको बताएगी ये स्पेशल क्यों है और इस दिन क्यों सवाले और पकोड़े और खीर वगैरह ये चीज़ बनाई जाती है। तो गढ़वालियों का ये फेमस त्यौहार है मतलब जो कि संक्रांति के बाद मनाया जाता है और बाकी मम्मी बताएगी और फिर हम भी बना रहे आज सवाले तो बाकी कुछ नहीं बना रहे सवाले सवाले बना रहे सवाले मतलब कह सकते हो आपकी हम गढ़वाली में कहते हैं वैसे सवाले को हिंदी में कहते हैं आलू पूरी तो वही बना रहे हैं हम और त्यौहार तो मनाने मनाने हैं चाहे कुछ थोड़ा बहुत बनाए लेकिन बनाते ज़रूर है। तो चले सबसे पहले सवाले बनाए जैसे कि आपको पता है सावन शुरू हो चुका है तो इस टाइम पे अब बारिश जो बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रही और हर दिन यही हाल हो रहा है मतलब दो तीन दिन जो धूप आई ना उसकी औसत फिर से निकाल दिया मौसम ने और आज फिर से बारिश शुरू हो चुकी है कल रात से हो रही है मतलब कंटिन्यू रुकी नहीं जिस वजह से अब फिर से हम परेशान हो गए इस बारिश को देखते देखते। तो दोस्तों बड़ी मुश्किल से अब मौसम भी साफ हो चुका है और अभी जो टाइम हो रहा है वो लगभग सुबह के 11 बज रहे हैं और बारिश के बाद हमारे पहाड़ कुछ इस तरीके से दिखते हैं। ये देखिए एकदम सुंदर नज़ारे और पहाड़ों के बीच में जो बादल आते हैं ना वो देखने में बड़े सुंदर लगते हैं। और इसी बारिश के रुकने से ही बंदर का आना भी शुरू हो चुका है और सबसे बेकार क्या है पता है चलो पहले आपको यहाँ अरबी के पत्ते के ऊपर ही पानी दिखाते कितने मस्त लग रहे जैसे हीरे होंगे मतलब फल फ्रूट सारे ख़त्म हो चुके हैं और ये अखरोट का पेड़ है ना इसकी वजह से आ रहे हैं बंदर तो क्या करें कुछ नहीं छोड़ते बंदर। तो ये हमारा अखरोट का पेड़ है और इसमें थोड़ा बहुत अखरोट दिख भी रहे थे लेकिन उन्होंने सारे चपट कर दी थी। तो दोस्तों बारिश भी शुरू हो चुकी है और इस बारिश में और ज़्यादा मज़ा आएगा आलू पूरी खाने में यानी कि सौंधा खाने में। तो चलिए बनाते फटाफट उसका मसाला भी मैंने तैयार कर दिया है और अब टाइम है बनाने का। तो चलो अब मम्मी बताएगी वाड़ी क्यों मनाते हैं। वाड़ी वो तमार गाँव तो वाली नहीं वाड़ी हाँ। पर मैं पता नहीं कि वाड़ी मतलब के वो दो पर पहली वाली वाड़ वे दिन घंटा था बोल वाण हूं ना जिस दिन वाण होती काकड़ियों का मतलब जिस दिन वाड़ी वन थे ना तो तब कोई मारे वाले तो तब तीन गति वाड़ी मनाना ना तो हमारे वक्त मनाना नहीं पर मैंने एक ही सुनी की वाड़ी मनाना ना बोलियो ना तो चलो स्वादे बनाने खानी था। तो मैं समझाता हूं आपको हिंदी में कि क्यों मनाते। तो कहा जाता है कि जिस दिन वाणी होती थी ना तो उससे पहले कोई भी वाण नहीं गिनता था। अब वाण भी आप सोच रहे होंगे क्या होता है तो उतनी भी हमारी सब्जियां बो रखी है तो उसमें जो बेल होती है उनके लिए उनके सहारे के लिए हम टहनियां लगाते हैं या पेड़ लगाते हैं कोई छोटा सा कि उसके सहारे उसकी बेल चली जाए तो उसी को वाण कहते हैं। और वो वाणी संक्रांति मनाई जाती थी सिर्फ हमारे एरिया में यानी कि यहाँ हो गया ऊपर की साइड जितने भी गांव है वहाँ पे और जगह नहीं मनाया जाता है। और अगर आपकी जगह मनाया जाता है तो बताना प्लीज कमेंट करके। वाणी से पहले कोई भी वाण नहीं लगाता था और जब वाणी के दिन ही मतलब सब लोग लगाते थे उसके बाद ही लगाते थे या वाणी के दिन लगाते थे उस दिन कुछ स्पेशल बनाया जाता था तो इसलिए वाणी संक्रांति मनाया जाता था। तो हुआ क्या कि एक दिन कोई वाणी संक्रांति के दिन मर गया यानी कि उनकी डेथ हो गई तो उस दिन के बाद सब ने डिसाइड किया कि ये वाणी संक्रांति तीन गति को मनाया जाएगा यानी कि वाणी जो होती है वो एक गति को होती है उसके दो दिन बाद यानी कि तीन गति को ये वाणी संक्रांति मनाया जाता है।
तो कुछ ये कहावत है और उसी को हम मनाते हैं और अभी भी उसी की तैयारियां चल रही हैं। तो चलिए अब सवाले बनाते हैं और इनको खाते हैं। तो देखिए ये बनके तैयार है हमारे स्वादे, और ये मोबाइल में कुछ और ही कलर है इनका और रियल में कुछ और कलर। आज बारिश नहीं रुक रही, मतलब बारिश भी हो रही है और मौसम भी हल्का हल्का खुल रहा है, ऐसा लग रहा है धूप जैसे आने वाली है बट बारिश नहीं रुक रही। ठीक है ना, आज स्वाद बढ़े। और ताई जी लोगों ने बनाए थे पकौड़े, तो ये देखिए पकौड़े हैं और ये स्वाद है ना, मैंने खा लिया। और बाहर का नज़ारा देखिए, ऐसा कोहरा ही कोहरा लगा है और बारिश हो रही है। जन्नत देखना चाहोगे? तुम चाहते तो हैं बरसात हो, लेकिन इतनी ज़्यादा मत हो कि हमारी सब्जियां भी बर्बाद हो जाए। और चाहते हम इसलिए बारिश हो क्योंकि हमारे खेतों में जो सब्जियां हैं वो थोड़ा जल्दी बढ़े, लेकिन ये बढ़ने की जगह सड़ने लग गई हैं। और दूसरी बात, यहाँ देखिए जो हमारे बरसाती टैंक बने हुए हैं, ज़्यादा बारिश की वजह से भर जाते हैं और देखिए यहाँ से पानी इनका ओवरफ्लो होकर गिरने लगता है। तो दोस्तों अभी 11 बज रहे हैं और मौसम भी लगभग खुल ही चुका है, तो मैं जा रहा हूँ अपने बीच वाले गांव में जहाँ की हमारी राशन आती है, और राशन भी जो आती है हर महीने आती है, इसलिए हर महीने जाना पड़ता है। तो चलो चलते हैं, दादी भी जा चुकी है और मैं भी जाता हूँ। बहुत से लोग जो है मौसम विभाग से बहुत ज़्यादा गुस्सा थे, क्योंकि 2-3 दिन जब स्कूल की छुट्टियाँ रही ना बीच में मौसम की वजह से, उस दिन खूब धूप आई और जैसे स्कूल खुले वैसे बारिश शुरू, तो उल्टा हो रहा है, इसीलिए लोग गुस्सा हो रहे थे कि मौसम विभाग भी गलत बताने लग गया। तो इस वजह से अब 3-4 दिनों से बारिश ही हो रही है लगातार, और 3-4 दिन पहले खूब धूप लगी थी। तो घर तो पहुंच गए, लेकिन मुझे लग रहा है इस साल मौसम निकल जाऊँगा, कुछ कमजोर लगी मौसम तो ये दिखा, फिर लगी बरखा लगा। अभी क्या सुंदर काम एक थे और अभी अभी क्या हाल हो गए, देखिए आप, ये हाल है मौसम के, 2 मिनट का घाम और पूरा दिन भर की बरखा। तो उस साइड तो देखिए पीछे पूरा ऐसा लग रहा है जैसे बारिश आने वाली। तो आज आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं अपनी दो भाभियों से, एकमात्र गांव की दो भाभी है मेरी और देखो कितने सक्सेसफुल हो गए हैं कि सबसे पहले इनके बैंगन हो गए थे, इनको धोने पे लगी थी, तो नीलम ने कहा कि इनकी वीडियो निकाल, प्रोग्रेस दिखा इनकी। डुग्गी लुकर है, किधर लुकड़ ऐसे मैं छिपाई, अरे कुत्ता खा दू तो नहीं ना, अभी मुक्की नहीं देखो बचपन खा दू तो नहीं, मैं तरक्की थे बड़ी को दिखाण मैं, अब हमारे गांव के उभरते किसान कोई बात पढ़ना। तो हमारे बड़े इसको देख के डर, बड़ा जा नाशपति निकाल रहे थे, ये देखो इन्होंने 2 कट्टे नाशपति की भर दी, एक दान खे दो मैं, ये देखो इतनी बड़ी बड़ी नाशपति, पेड़ पूरा फूल भरा हुआ है देखिए। तो इनको भी ऐसे नहीं होती है, बंदरों से बचानी पड़ती है तब जाके इतनी मेहनत का फल मिलता है। तो आज ये तोड़ रहे हैं, कद रुपये किलो जाने, ये 20 रुपये 20, अच्छा तो नाशपति के रेट यही देखो, जो असली मेहनत करें उनकी 20 रुपये किलो जा रहे हैं, और दुकानदार बिचौलिया कितने रुपये किलो बेच रहा है अपना, 60-70, ये हाल है। तो आज बड़ा जी का पूरा बागीचा दिखाते आपको, बैंगन मैं दिखा लें ऑन दिस, इनके बैंगन भी लग चुके हैं और काकड़ी भी, काकड़ी भी लग गई है बड़ा जी, काकड़ी भी लग गई, अच्छा काकड़ी बहुत ज्यादा लगी, थोड़ा ऊपर यार, ये देखो ये है 2-4 हाथ पर निकाले भी दिखा, ये देखो पूरा कट्टा है ना, ये अब सही बोले, मैंने उभरते किसान है आने वाली पीढ़ी के फूलगोभी भी लग गई थी देख ली, तो ब्रोकली नहीं लगाई, अब ब्रोकली अब लगने वाली है, ब्रोकली अच्छा है ना,
और बंद गोभी बंद गोभी ने गाँव से फर्स्ट नंबर डालूंगा अपने बिल्कुल बिल्कुल सही बात होना ही चाहिए। जो इंसान मेहनत कर रहा है उसका फल मिलना भी चाहिए। उनकी पत्ता गोभी दिखाते हैं, पूरा खेत अब काटने वाला होने वाले कुछ ही दिनों में। ये देखो, चलो ले चलते हैं इनके खेत में आपको। तो ये रही पत्ता गोभी का पूरा खेत। अच्छा, वो सामने जो दिख रही है वो फूल गोभी है जो लंबी दिख रही है, और ये है पत्ता गोभी। तो मतलब 10-12 दिन में ये भी काटने लायक हो जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, नीचे शिमला मिर्च है ना, बाकी ये है कद्दू के पेड़ अभी शिमला मिर्च रखने वाली है, अभी उसमें मिलाएगी, बहुत काम है। चलो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया काम। तो हमारे गांव से, चोपड़ियाल गांव से, अब दिन पर दिन नए नए किसान उभरते हुए आ रहे, जिनमें कि हमारे बड़ा जी भी, श्री काशीराम डबराल जी भी बहुत जल्द इस लिस्ट में शामिल होने वाले हैं। आपको अभी से बधाई बधाई, बहुत बहुत। तो मैं ब्लॉग नहीं बना रहा था, मतलब नीचे खेतों में गया था और ऊपर आते टाइम बड़ा जी मिल गए, तो सोचा थोड़ा इनके बारे में दिखा देता हूँ। और अब चलते घर। तो चलिए, घर भी पहुँच चुका मैं, आते आते सांस भी फूल गई बहुत भयंकर, और मम्मी भी अब भैंस निकालने की तैयारी में लगी हुई है। और इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करते हैं, बोल भी नहीं पा रहा मैं। तो चलिए, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। आपसे मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। ये देखो, ये हमारी कंठी 1 आ चुकी है और कंठी 2 दूसरी अंदर से एंटर करने वाली है।